नमस्कार। आप सभी को तो पता है कोरोना काल चल रहा है, तो क्या एक छोटी सी जानकारी थी तो आपको देना रहा। आज का जो डेट है, 100 में से 99% रोगी ही हैं। किसी को बीपी लो, किसी का बीपी हाई, किसी का हार्ट, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम पहले से ही है। और होता क्या है, जो निगेटिव भी है तो रिपोर्ट अगर उसको पॉजिटिव बता दिए, वो टेंशन में ही उसका डेथ हो जाता है। तो ऐसे अफवाहों से बचें और डरे नहीं। कोरोना में इतनी क्षमता नहीं कि आपकी मृत्यु हो जाए। कोरोना से मौत नहीं होगी, कोरोना से लड़िए आप। कोरोना को आप हरा सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव भी है तो आप उसको बताने से पहले ये बताइए कि कोरोना का दवा अवेलेबल है, आप स्वस्थ हो सकते हैं। हो सकते नहीं, आप स्वस्थ हो ही जाएंगे। आप ये दवा को सेवन करिए, क्वारंटीन रहिए, आप सही हो जाएंगे। घबराइए नहीं, चिंता नहीं करिए, टेंशन नहीं लीजिए। बहुत सारे मौतें ऐसे ही हो रहा है। और उसके बाद क्या हो जाता है, निगेटिव आ जाता है। पॉजिटिव बता दिए, टेंशन में तो उसकी मृत्यु हो गई। वो तो पहले से बीमार बीमार से ग्रसित है ना, किसी बीपी से तो, किसी का हार्ट से तो, कोई कुछ प्रॉब्लम है ही ना। किसी का शुगर, किसी का कुछ तो, किसी को कुछ। तो मेरा यही कहने हैं, डरिए नहीं, लड़िए। अरे लड़ेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, अरे डरेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो करना यही है, थोड़ा सा सुबह उठना चालू करिए सब लोग। अगर लॉकडाउन लगा है तो घर के आसपास ही टहल लीजिए। टहलने के बाद आपको करना क्या है, नहाइए धोइए। नहाना आपको दो टाइम है। अगर आप दो टाइम नहा रहे हैं तो कोरोना तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपको करना क्या है, सुबह शाम आपको पूजा पाठ करना है। क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो भगवान ही एक लास्ट रास्ता होता है। क्योंकि जब डॉक्टर भी जब इलाज करते हैं, ऑपरेशन करने का टाइम आता है, बहुत तो यही बोला जाता है कि बस भगवान के ही भरोसे है, हमने अपना काम कर दिया है, जो है वो भगवान ही करेंगे, है ना। तभी हम तो 2 साल, एक 2 साल से झेल ही रहे हैं कोरोना को। तो इंसान तो अपने तरह से लगे हुए हैं, पर हम भगवान का भी सहारा लें, उनका भी स्मरण करें। क्या करना, कुछ करना नहीं है। जो भी भगवान को आप चाहते हैं, मानते हैं, सुबह शाम उनका आप स्मरण कीजिए। जैसे आप विष्णु जी को चाहते हैं तो आप बोले ओम नमो भगवते वासुदेव श्री हरि नारायण है नमो नमः। गणेश जी को पूजते हैं तो बोले श्री गणेशाय नमः। शिव जी को पूजते हैं तो ओम नमः शिवाय। मतलब जो भी भगवान को आप चाहते हैं।